ओके जी, हम बात करते हैं अब राइटिंग द रिपोर्ट एसेंशियल स्टेजेस क्या हैं इसकी। जी ऑल रिपोर्ट्स नीड टू बी क्लियर कंसाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड। अब जो जितने भी रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं दे नीड टू बी क्लियर होना चाहिए उसमें जो मैसेज है, कंसाइज ब्रीफ होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए एंड वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए उनका प्रॉपर, बिगनिंग मिडल एंड या कंक्लूजन। द की टू राइटिंग एन इफेक्टिव रिपोर्ट इज़ टू एलोकेट टाइम फॉर प्लानिंग एंड प्रेजेंटेशन। अब इसके लिए की पॉइंट हमारे लिए क्या है कि जी हम रिपोर्ट लिखने के लिए प्लान करें और चीज़ों को प्रिपेयर करें। विद केयरफुल प्लानिंग द राइटिंग ऑफ रिपोर्ट विल बी मेड मच ईजियर। अगर आप केयरफुल प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए रिपोर्ट लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। द एसेंशियल स्टेजेस ऑफ सक्सेसफुल रिपोर्ट राइटिंग आर डिस्क्राइब बिलो। एसेंशियल स्टेजेस जी नीचे बता दी गई हैं। कंसिडर हाउ लॉन्ग ईच स्टेज इज़ लाइकली टू टेक एंड डिवाइड द टाइम बिफोर द डेड लाइन बिटवीन द डिफरेंट स्टेजेस। बी श्योर टू लीव टाइम फॉर फाइनल प्रूफ रीडिंग एंड चेकिंग। सो एसेंशियल स्टेज ऑफ सक्सेसफुल रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या करना होता है आपने जी, आपने कंसिडर करना होता है डेड लाइन को, डिफरेंट स्टेज उसकी डिफरेंट स्टेजेस को, बी श्योर टू लीव टाइम फॉर फाइनल प्रूफ रीडिंग एंड चेकिंग। और आपने अपना टाइम रखना होता है फाइनल प्रूफ रीडिंग और चेकिंग के लिए। ठीक है जी, स्टेज नंबर वन क्या है, अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट ब्रीफ। नंबर वन पे है अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्ट ब्रीफ। द फर्स्ट स्टेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट दैट यू अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ योर रिपोर्ट एज डिस्क्राइब्ड इन योर रिपोर्ट ब्रीफ। कि आपको रिपोर्ट ब्रीफ आपका मिल गया है और आपके पास ये क्लियर पर्पज़ होना चाहिए कि आप क्यों रिपोर्ट लिख रहे हैं, क्योंकि जो आप इन योर रिपोर्ट ब्रीफ और इंस्ट्रक्शंस, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो आपको रिपोर्ट ब्रीफ दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपने बताना होता है। कंसिडर हु द रिपोर्ट इज़ फॉर एंड वाई इट इज़ बीइंग रिटन। आपने ये भी सोचना होता है कि रिपोर्ट किसके लिए है और क्यों लिखी जा रही है। चेक दैट यू अंडरस्टैंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस और रिक्वायरमेंट्स। और आपने ज़रूर अपने माइंड में ये रखना होता है कि आपने सारी इंस्ट्रक्शंस और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। एंड आस्क योर ट्यूटर इफ़ एनीथिंग इज़ अनक्लियर। अगर आप पे कुछ क्लियर नहीं है तो आप अपने ट्यूटर से पूछ सकते हैं। लाइक जो उसने आपको रिपोर्ट ब्रीफ या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं उनको आपको उनकी समझ नहीं आ रही, इफ़ एनीथिंग इज़ अनक्लियर टू यू, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योर ट्यूटर। ओके जी, स्टेज नंबर टू है गैदरिंग एंड सेलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। वंस यू आर क्लियर अबाउट द पर्पज़ ऑफ योर रिपोर्ट, पहले में क्या है जी आपने पर्पज़ अपना डिफाइन करना है। अब सेकंड में वो ये कह रहे हैं कि वंस यू आर क्लियर अबाउट द पर्पज़ ऑफ योर रिपोर्ट, अब आप क्लियर हो गए अपनी रिपोर्ट के पर्पज़ के बारे में, यू नीड टू बिगिन टू गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपने क्या करना है जी, अपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करनी है। योर इन्फॉर्मेशन मे कम फ्रॉम अ वराइटी ऑफ सोर्सेज, बट हाउ मच इन्फॉर्मेशन यू विल नीड विल डिपेंड ऑन हाउ मच डिटेल इज़ रिक्वायर्ड इन द रिपोर्ट। अब योर इन्फॉर्मेशन मे कम फ्रॉम अ वराइटी ऑफ सोर्सेज, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे सोर्सेज उसमें हो सकते हैं, बट हाउ मच इन्फॉर्मेशन यू विल नीड विल डिपेंड ऑन हाउ मच डिटेल्स इज़ रिक्वायर्ड इन द रिपोर्ट। लेकिन जो आपको पास इन्फॉर्मेशन है वो आप उसमें अपनी रिपोर्ट में जो डिटेल्स ऐड करोगे उस पर डिपेंड करता है जी, कितनी उसमें डिटेल्स ऐड की जा सकती हैं। यू मे वॉन्ट टू बिगिन बाई रीडिंग रेलिवेंट लिटरेचर टू वाइडन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, और इफ़ यू बिफोर यू गो ऑन टू लुक एट अदर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज क्वेश्चनेयर्स, सर्वेज एटसेट्रा, एज यू रीड एंड गैदर इंफॉर्मेशन यू नीड टू असेस इट्स रेलिवेंस टू योर रिपोर्ट एंड सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। अब क्या है जी कि आपने ठीक है जी आप स्टार्ट कर दिया है, अब अगर आपको वो कम लगता है मटेरियल जो आपको रिपोर्ट ब्रीफ प्रोवाइड किया गया है तो आप थोड़ा और लिटरेचर को स्टडी कर सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वाइड हो जाए। अब ये है कि अगर आपको एक सर्टन टॉपिक पर दिया गया है टॉपिक रिपोर्ट के लिए तो आप बाकी फिर क्या ऐड करेंगे जी उसमें, आप उसी से रिलेटेड कोई और मटेरियल को जब रीड आउट करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो ज़्यादा वाइडन होगा और आपको इजी लगेगा अपना काम करना। इसके लिए अब आप क्या है क्वेश्चनर्स बना सकते हैं, सर्वेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स से। एज़ यू रीड एंड गैदर इन्फॉर्मेशन यू नीड टू असेस इट्स रेलिवेंस टू योर रिपोर्ट एंड सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। वो कहते हैं जैसे जैसे आप डाटा रीड करेंगे आप या डाटा गैदर करेंगे इकट्ठा करेंगे आपको पता चलेगा कि आपने कब कहाँ पे उसको यूज़ करना है अपने काम में।